अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी 7:40 है सुबह के और मैं अभी जा रहा हूँ जिम। आगे मैं जा रहा था लेकिन रास्ते में मैंने देखा मेरी कमीज थी ना, वो पीछे पिज्ज़ा लगा हुआ था, तो खाया था ना, तो गलती से पीछे में यहाँ से लगा हुआ था थोड़ा सा। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कपड़े चेंज किए, अब दोबारा जा रहा हूँ जिम। तो अब मैं आपको जिम पहुँच कर दिखाता हूँ। यार अभी आपका भाई है फिलहाल जिम के अंदर और तला में छुपेड़ा मानी फजूल पाटा मान। और ये देखिए ये फोटो लगी हुई है, ये तला के भाई है किस्म का, इसकी फोटो है, इसका भाई बॉडी बिल्डर था। आज गाने नहीं लगे हुए तो मैंने कहा आपको जिम शिम दिखा देते। दूसरी साइड पर भी है और दूसरी साइड पर सारा वो एक्सरसाइज हो रहा है और डम्बल शम्बल है, वो तो आप देखे ही होंगे। बाकी मशीनें शीशीन हैं और मैं कोने में आके बना रहा हूँ क्योंकि मेरे मामू ने मना किया था नहीं बनानी। मैंने कहा इधर बना लेते हैं ताकि कोई दिख ही ना। सही। और अभी मैं वहाँ पे जाके लगाने लगा मशीन, मामू ने कहा लगाओ, तो वो लगा के मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ये हमारे कोच हैं जो हमें बता रहे हैं कैसे लगाना है। यहाँ पे लगा रहे हैं, मैंने अभी भी लगानी है लेकिन मैं अपनी वीडियो नहीं बना रहा। सही है, ओके। अगर अभी आपका भाई ये वाली मशीन लगाने लगे जिसमें बैठ के हमें लगानी है। और ये देखो आपका भाई वजन कितना उठाने लगा। उठाओ उठाओ, मैंने तो यार 3 ही उठाऊंगा 15 किलो, ये इतना उठा रहा। उठा उठा मेरे से ज़्यादा उठा उठा, ये वैसे भी उठाने की आदत है, उठा ले उठा ले, उठा मेरे से ज़्यादा। मतलब इसको उठाने का वेट, और बाकी जब मैं जिम लगा तो कोई एक्सरसाइज तो मैं उसको भी वीडियो बना के ऐड कर दूँगा। अभी जिम से हम वापस जा रहे हैं, मैं और मेरी जा रहे हैं। इसको मैंने बोला है क्लिप बना दे पहन, जब ये बोलता है मैं इसलिए आज तक नहीं मना किया कैसे फोटो नहीं मैंने बनानी है वो पहन। इसको मैं जब भी बोलूँ ना कहता नहीं 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 नंबर का ये पहन जो, तो इसलिए इसलिए मेरी क्लिप कौन नहीं बनाई मैंने, इसलिए ऐड भी नहीं कौन की बनाई कौन नहीं इसलिए। तो अभी वापस घर की तरफ जाऊँ, घर जा तो उनका पानी मैंने डालना है, पानी में कल दवाई डालना भूल गया वहाँ क्या होगा। तो अब आपको मैं इसमें मिलता हूँ घर पहुँच गया भाई, सारा सामान ले रहा है। और ये अभी सामने आएगा नहीं तो मैं कुंडा दिखा देता। और अभी ये पानी तीनों का मैंने डाल लिया, ये इनका ये डायमंड ऑफ का, इसके अंदर कैल्शियम पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, कलवंजी तो पता नहीं क्या क्या। अभी मैं डालने लगूँ यार दवाई इन तीनों के अंदर क्योंकि मैंने कल डालना मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने कहा चलो आज ही डाल देते हैं। यार अब मैं वीडियो को कैसे बनाऊँगा, चलो मैं दवाई डालू ना तो बाद में आपको दिखाता हूँ। जब मैंने इनका सारा खाना चेंज कर दिया, पानी सारा चेंज कर दिया, दवाई डाल दिया सारों में। ये भी इनको भी मैंने वो कैल्शियम डाल दिया। ये देखो उनका अंडा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ब्लर टिका भाई यार इधर फिंगर आ रहा, वो देखो बड़ा हुआ ग्राफ नज़र आ रहा, वो तो कोई नहीं चला फिंगर सा नज़र आ रहा वैसे। और अभी यार मेल बैठा हुआ है उधर, पंजो जरा सड़का रहा होगा, छोड़ो उसको बैठे रहने दो। तो अभी मैं जरा लगूँ सोने थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक मैं सो जाऊँगा क्योंकि इनका सारा मन काम कर दिया, खाना भी डाल दिया दवाई भी डाल दी। तो अब आपको मैं मिलता हूँ जब दोपहर को उठूंगा या फिर अगर ना सोया तो जब किधर जाने लगूंगा तब आपको मिलता हूँ। तो यार अभी 3 बज गए और आपका भाई मतलब दाना शाना डाल के सो गया था मैं। और अभी मैं 1:30 बजे इतने बजे उठा था, बाद में थोड़ी मोबाइल यूज़ किया, थोड़ी देर तो नहीं ज़्यादा देर किया तो क्या नाचो। और अभी मैं वजू करके पढ़ने लगूँ, नमाज गाड़ी पढ़ूंगा क्योंकि मतलब टाइम ज़्यादा हो गया ना, मस्जिद में थोड़ी जाऊँगा, जमात तो काफ़ी हो गई है, 3 बजे मैं नमाज पढ़ूँगा। और बस अभी नमाज पढ़ते हैं तो आप मिलते हो नमाज पढ़ने के बाद। फिर अभी आपके भाई ने नमाज पढ़ ली है और यार अभी ये सारी चीज़ें इधर ही पड़ी हैं जो इनको बेटर के लिए हैं। यार मेरे हाथ से मैंने ना आपको, मेरी जो गिटार है मेरे पास एक गिटार भी है, पता नहीं मैंने आपको ब्लॉग में कभी दिखाई है या नहीं दिखाई, नहीं मैं यहाँ से नहीं दिखाई मैंने कभी ब्लॉग में। तो मैंने कहा चलो आज दिखाते हैं आपको अपनी गिटार, ये गिटार का कवर पड़ा हुआ है मालूम है तेरे बाप को। और यार ये मेरी गिटार है, रुको बाहर निकालते हैं। ये कैसी गिटार है यार बताना। अच्छा ये मुझे गिफ्ट मिली थी, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की क्योंकि मुझे बड़ा शौक था गिटार का, बस शौक ही था। जैसे गिटार लिया ना शौक पूरा हो गया, तब से पड़ी हुई है अली ऐसे, बजाने मुझे कोई नहीं आती। मैं दिल मेरे कजन जो लील और नहीं होता उसे सीख लेता हूँ, उसको आती है थोड़ी बहुत ही उसको आती है तो उससे सीख लेते हैं। वैसे है तो यार प्यारी गिटार मेरी, बस ऐसे ऐसे मेरी तारे ऐसे ऐसे करने आता है और कुछ नहीं आता।
क्योंकि यार कभी सीखी कौन नहीं मैंने गिटार, यहाँ पे मेरे से एकेडमी भी नहीं है, होएगी भी तो मैं कभी गया नहीं हूँ सीखने, पड़ी हुई है बस, ले ली थी तो बस शौक था ले ली थी। तो 20 को अंदर दोबारा रख देते हैं हमें, कोई बच्चा आके इसको उठाए कि ना करे, तो इसलिए इसको अंदर रख देते हैं। और यार भी मैंने नमाज पढ़ ली है, बताया या नहीं बताया, जब बताया भी है तो दोबारा बता दिया। और जरा हाथ में बड़ी दर्द हो जाता है, ऐसे हाथ नहीं रखने वाला, अभी थोड़ी देर में मैंने मम्मा को बोला खाना भी बना दें, खाया कोई नहीं है, तो जब खाना आता तब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जरा बैठ लूँ थोड़ी। अभी खाना बन के आ चुका है, और ये आज का खाना पता नहीं क्या है, ये टिंडे गोश्त है मेरे ख्याल से, और पानी अभी पानी भी पीते हैं साथ खाते हैं खाना। तो अभी मैं खाना खा के आपको जब बाहर जाता हूँ तब आप लोगों को, और पता नहीं बाहर जाता हूँ या नहीं, चलो फिर जाकर जाता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। यार अभी मैं और तला जा रहे हैं दुकान पे चेस्ट का पीस लेने, क्योंकि तला जो है ना, तला कहता है कि जिम जब लगाते हैं तो चेस्ट पूरा पीस आता है, वो बाहर और अभी तला और मैं जा रहे हैं वापस घर, और अभी हो सकते मैं बाहर खाने खाना खाने जाऊँ, आज दिल था बाहर खाने जाने का, तो चलो जो भी होता है मैं आपको बाद में दिखाऊँ, अभी घर में तला। अबे साले जो जोड़े लाया तो वो तोते ही लेने जा रहा हूँ, तो मैं जब रस्ते में तोते ले लू तब आपको। मैं तला को कुछ भी नहीं बोलता, इतना ये कंजर है ना, जैसे स्टार्ट करते हैं बोलते हेलो गाइस हम जा रहे हैं, तो हम चुप कर पागल है क्या भोसड़ी के। अभी मैंने तला के भूपो के घर से तोते पकड़ लिए हैं, जो तोते हैं इसके अंदर रुक जो दिखाता हूँ आपको, ये हैं तोते और ये है उनकी वो क्या होती है ये डोलियाँ, और बस बिनको घर लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको पहुंच चुका दूर खींचा पाल। तो यार अभी आपका भाई पहुंच चुका है घर, और तला के तोते छोते वो डोलियाँ छोलियाँ घर दे दी उसकी, और अभी मुझे नींद बड़ी सख्त आई हुई है क्योंकि सुबह 7 बजे मैं उठ गया था, तो अभी इसलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मान लो अल्लाह हाफिज़।